हाय एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे आज की वीडियो में आप लोग शायद शेयर करूंगी आप किस तरीके से प्रेगनेंसी को अपने अवॉइड कर सकते हो, वो भी नेचुरली, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सेफ तरीके से। ये 100% सेफ है और बहुत ही आसान है। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे पिल्स हैं, बहुत ही इंजेक्शन है जो आपके प्रेगनेंसी को अवॉइड तो कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक बहुत कुछ चल सकता है, लेकिन इन सारे दवाइयों का जो है बहुत भयानक भयानक जो है साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इन सारे साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप नेचुरली अपने पीरियड को जान के, अपने शरीर के हिसाब से महसूस करके, आप किस तरीके से इसको अवॉइड कर सकते हो बिना किसी पिल्स, बिना किसी दवाई, बिना किसी कोई भी तरीके से। तो फर्स्ट जो है, आपको अपने पीरियड के बारे में अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। अगर आपका पीरियड जो है टाइम टू टाइम आता है, सबका मेंस्ट्रुअल सर्कल जो है, सबका मंथली सर्कल अलग होता है, किसी का 28 दिन का, किसी का 25 दिन का, किसी का 30, किसी का 35, तो किसी का 40। तो जिसका 40 और 38 दिन का है, उनमें से मैं भी एक हूँ जिसका पीरियड का मंथली सर्कल जो है 35 टू 36, 37, 40 ऐसे हो जाता है। तो अगर आपको अपने पीरियड के बारे में अच्छे तरीके से मालूम है, तो ये वाला आप जो है अच्छे तरीके से नेचुरली, मतलब बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। आपको इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से जानना ये है, जिस तरीके से यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, तो ये जो है पीरियड का टाइम है और आपका पीरियड 1 से लेकर 7 दिन तक रहता है। नॉर्मली पीरियड 1 से लेकर 7 दिन तक रहता है, स्लो का 8-9 दिन तक हो जाता है, खासकर टीनेजर्स में होता है। तो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम ज़्यादातर, आजकल तो छोड़ो, ज़्यादातर मैरिड के बाद ही प्रॉब्लम जो है ज़्यादा स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपका पीरियड, आप देख सकते हो डायग्राम में, 1 से लेकर 7 दिन तक आपका पीरियड चल रहा है, और 1 से लेकर 7 दिन तक आपका पीरियड है, फिर 7 से लेकर 10 दिन तक जो है आप जो है बहुत ही, मतलब 1 से लेकर 7 दिन तक पीरियड में तो सेक्स नहीं कर सकते हैं। तो 7 दिन से लेकर 10 दिन तक जो है ये सेफ जोन होता है, उसमें आपका जो है शरीर में, मतलब जो ओवुलेशन, जो भी होता है, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताती हूँ, आपके जो है अंडा नहीं होता है, मतलब 7 से लेकर 10 दिन तक एकदम सेफ होता है। आप 7 से लेकर 10 दिन तक, मतलब आपको 3 दिन मिलता है बहुत ही सेफ सेक्स करने का। अगर आप 3 दिनों में एकदम किसी भी तरीके, कोई भी कॉन्डम, कुछ भी, बिना कुछ यूज़ किए अगर आप सेक्स करते हो, तो आप यहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं होगे, क्योंकि एकदम सेफ होता है। उस टाइम आपके शरीर में अंडा बनता रहता है, अंडा तैयार होके वो एकदम, मतलब स्पर्म के लिए रेडी नहीं हो जाता है, आपके शरीर में धीरे धीरे अंडा भी तैयार होना स्टार्ट होता है। और जहाँ पे आपका 7 से लेकर 10 दिन ख़त्म होता है, और 10 दिन के बाद 11 से लेकर 18 से 20 दिन तक आपका शरीर में जो अंडा बन के तैयार हो जाता है, और इस बीच अगर आप सेक्स करते हो बिना किसी प्रिकॉशन, बिना किसी सेफ्टी का, तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कोई भी सेफ्टी यूज़ किए बिना अगर आप सेक्स करते हो। तो आप देख सकते हो ये जो है काफ़ी डेंजरस जोन है, और 18 से 20 दिन, मतलब 20 दिन क्रॉस होते ही जो है अंडा हमारा जो तैयार होता है और उसको नहीं मिलता है, जो आगे बढ़ने वाला प्रोसेस उसको नहीं हो पाता है, और अंडा जो है फूट के निकल आता है, मतलब उसको टाइम होता है। ऐसा नहीं कि अंडा आज ही फूटा, दूसरे दिन पीरियड जो है स्टार्ट, नहीं, अंडा फूटने में उसको टाइम होता है, और धीरे धीरे आने में फिर टाइम लगता है, और 28 से लेकर 30 दिन तक जो है आ जाता है वजाइना तक, और वही होता है हमारा पीरियड। ये जो है, अगर ये सर्कल नहीं होगा तो कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होगा। लोगों को ये बहुत ही गंदा लगता है, लोगों को क्या, इवन मुझे भी गंदा लगता है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो कोई भी औरत माँ नहीं बन सकती है। यही होता है एक बच्चा बनने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, यही होता है सर्कल। तो अगर आप इस बीच 11 से लेकर 20 दिन तक कोई भी प्रिकॉशन का यूज़ किए बिना, कोई भी प्रिकॉशन, कोई भी सेफ्टी यूज़ किए बिना सेक्स करते हो, तो बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है आपका प्रेग्नेंट होने का। और 20 दिन के बाद अगर आप सेक्स करते हो बिना किसी सेफ्टी का, कोई भी सेफ्टी यूज़ किए बिना, अगर आपका डिस्चार्ज भी अंदर हो जाता है, तो आपको बहुत कम, बहुत ही कम
मतलब 2% से लेकर 10% तक आपको चांसेस रहता है कि आपका जो है बच्चा ठहर सकता है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर आपका मेंस्ट्रुअल सर्कल सिर्फ 30 दिन का है तो, लेकिन अगर आपका ज़्यादा दिन का है तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका सर्कल जो है 30 दिन का है, तो आप ये वाला जो है डायग्राम देख के आप बिना किसी सेफ्टी यूज़ किए जो है बहुत ही लॉन्ग टाइम तक अपना प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। और मोस्टली जो औरतें हैं वर्ल्ड में इस अर्थ पे, उनका जो मेंस्ट्रुअल सर्कल जो है 30 दिन का ही होता है, 28 से 30 दिन का होता है। तो ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो, 1 से लेकर 10 दिन तक एकदम सेफ होता है। 7 दिन तक तो हमारा पीरियड चलता है, 3 दिन आपको सेफ मिलता है, 11 से लेकर 20 दिन तक आपको डेंजरस जोन चलता रहता है। उस बीच अगर आप बिना किसी सेफ्टी का अगर आप करते हो, इंटीमेट होते हो, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और 20 दिन के बाद, 20 से लेकर 30 दिन तक आपका खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और जैसे जैसे 20, 22, 24, 25 जितना नज़दीक हमारा पीरियड का टाइम आते जाता है, डेट जो है नज़दीक आते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा खतरा खत्म हो जाता है। बिना कोई दवाई, बिना कोई पिल्स, बिना कॉन्डोम आप जो है सेफली लॉन्ग टाइम तक आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप अगर अपने डॉक्टर से भी पूछोगे तो आपको डॉक्टर जो है यही सलाह देंगे कि आप ये वाला मेथड ट्राई करें या फिर आप कॉन्डोम यूज़ करें। क्योंकि मार्केट में जितने सारे दवाइयाँ मिलते हैं, जितने सारे पिल्स हैं, सबके अपने अपने खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है। और सबसे बड़ा भयानक जो साइड इफ़ेक्ट है, मोटा होना, आपका वज़न बढ़ने लगता है दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से। और कोई भी लेडी ये नहीं चाहेगी, कोई भी वुमन ये नहीं चाहेगी कि उनका वज़न बढ़े। हम अपने ही वज़न बढ़ने से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं वज़न घटाने के लिए, और अलग से ये दवाइयों का बोझ लेके चलो। तो आप इन सबको टाटा बाय बाय करें। और ये वाला मेथड जो मैंने आपको बताया डायग्राम के हिसाब से, आप समझ चुके होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। आप ये वाला जो मेथड है यूज़ करके देखें, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब समझने वाला है, और आपको लॉन्ग टाइम तक ये सेफ रख सकता है। तो 11 से लेके 20 दिन तक का जो पॉइंट है, मतलब जो टाइमिंग आपको मिलता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। लेकिन अगर आप 20-22 दिन में जो है सेफली, मतलब बिना किसी प्रिकॉशन का भी सेट करते हो, तो थोड़ा सा चांसेस रहता है। अगर आपका सर्कल 30 दिन का नहीं है तो, ज़्यादा दिन का है तो चांसेस रहता है। तो आप मुझे ब्लेम मत करना कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये हो गया। मुझे ब्लेम आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 से लेकर 10% तक का चांसेस रहता है। लेकिन अगर आपका सर्कल एकदम सही है तो यहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहता है। और मैं आपको बता दूँ, पीरियड के, अगर आपको लगता है कि पीरियड मेरा 30 तारीख को होने वाला है, तो 29, 28, 24, 25 जितना, मतलब 20 दिन के बाद वाला जो टाइम है, जितना देर होता जाता है, 20, 21, 22, 23, वहाँ पे चांसेस जो है एकदम ना के बराबर होते जाते हैं। क्योंकि अंडा जो है एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, उसको आने में वजाइना तक जो है बहुत टाइम लगता है, 7-8 दिन लग जाते हैं। तो जितना आपका मतलब 20, 22, 24, 25 का जो टाइमिंग होता है एकदम ज़्यादा सेफ होता है, तो उस टाइम एकदम मतलब आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे, और एकदम सेफली आप जो है बिना किसी कॉन्डोम, बिना किसी प्रिकॉशन का आप इंटीमेट हो सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाई हूँ। अगर आप नहीं समझ पाए हो, कोई भी आपको सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो फटाफट से इस वीडियो को अभी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए, और बेल बटन को भी हिट कर दे ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन। तो मिलती हूँ मैं अपने अगले एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सको।